दिमाग खराब कर दिया मेरा, जान से मार डालूंगी मैं। क्या जरूरत थी मेरे बुड्ढे से निकाह कराने की? पागल है ये बुड्ढा, हर वक्त रट लगाई रखी है। जो वापस चलो वापस चलो वापस चलो, भाई नहीं जाना मुझे उस डरदे में वापस। क्या है रशीद की तो हमेशा से आदत है बकबक करने की, तुझे क्या जरूरत है उसकी परवाह करने की बात है कोई? इसके बोलने की वजह से ना अम्मा मेरी बोलती बंद हो गई है। वो तो शुक्र मेरे रब का इस घर में कोई आता जाता नहीं है। हाँ वरना रशीद को तो आदत है बड़ी मनाई बात को बिगाड़ देता है, माहिर है इस काम में। वैसे अम्मा इस घर में है कितना सुकून ना, साजदा के तो मजे हैं, सारी जिंदगी मजे करती रही, हर एक खामे सी चीजों को तरसते रहे हम कीड़े मकोड़ों की तरह। सच कह रही है तू, साजदा तो वाकई जन्नत में रहती है, जन्नत में। और ये जन्नत ना अब मेरी है अम्मा, यहां से मुझे अब कोई निकाल नहीं सकता। एक नवाब इस जन्नत को पक्का पक्का अपने नाम करवा ले, तब किसी को जरूरत भी नहीं होगी तुझे यहां से निकालने की। हाँ ये काम ना मैंने उस कमबख्त दानिश के जिम्मे लगाया है, लेकिन उसे उसे इश्क की पींगे बढ़ाने से फुर्सत मिले तो वो कुछ करे ना। पहले उस रानिया के पीछे खवार था, अब अल्लाह जाने किसके पीछे खवार है। दूसरी दफा अपने सर पे सेहरा सजाना चाहता है जंगली। अरे है बात सुन, जिसके पीछे ये नाच रहा है ना, अगर यहाँ आ गए हमारे घर में हमें तिकनी का नाच नचा देगी। इस काम को होने से पहले रोक दे, इस बेल को मंडे नहीं चढ़ने देना, समझी? अभी मान रहा है वो मेरी बात, सुनता है वो मेरी, फिर भी करना तो कुछ पड़ेगा। सोचते हैं कुछ।